संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण हम मानव कहलाए। पिछले वीडियो में हमने आपको व्यास गद्दी के दर्शन कराए थे और आज हम आपको दिखा रहे हैं व्यास गद्दी के बिल्कुल सामने स्थित वह स्थान जहाँ पर मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक की थी तपस्या। तो चलिए पहुँचते हैं और कराते हैं आपको दर्शन। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो स्थल जहाँ पर श्री मनु और शत्रुपा ने 23,000 सालों तक तप किया था। ये उनकी तपस्थली कही जाती है। तो आइए, तो सबसे पहले दर्शन हुए हमें ब्रह्मपाद के। और दोस्तों, अगर मानव की बात करें तो मानव उसे कहते हैं जिसमें जड़ और प्राण से कहीं ज्यादा सक्रिय होता है मन। और मनुष्य में मन की ताकत है, विचार करने की ताकत है, इसीलिए उसे मनुष्य कहते हैं। चूंकि ये सभी मनु की संतानें हैं, इसीलिए हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभू सहित क्रमशः 7 मनु हुए और 7 अभी बाकी हैं। और दोस्तों, मंदिर के अंदर अब हम कर रहे हैं एंटर। और देखिए, मंदिर में अंदर जाते ही सबसे पहले हमें सीधे हाथ की तरफ इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। जय हो प्रभु। त्रिदेव यानी कि तीनों देव इधर हैं और लेफ्ट साइड में है गणेश भगवान जी। तो दोनों तरफ के दर्शन करके अब हम आपको सेंटर में जो गर्भगृह है वहां के दर्शन कराएंगे। प्रजापति कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा की कुल 5 संतानें थी, जिसमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति थे। और अब हम पहुंच गए दोस्तों गर्भगृह की तरफ और दर्शन करते हैं इतनी सुंदर सी यहाँ की मूर्तियों के। जय हो प्रभु। ये है हमारे मनु और शत्रुपा और बाहर ये हमारे हनुमान जी। जय हनुमान बाबा। और राइट साइड में बने हैं श्री मनु जी जो एक पैर पे खड़े होकर कर रहे हैं तपस्या। तो लेफ्ट साइड में हनुमान जी, राइट साइड में श्री मनु जी। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वह स्थान जहाँ पर भागवत का पाठ किया जाता है। एक पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सा हॉल बना रखा है, इसके अंदर करते हैं भागवत का पाठ या जो भी भजन कीर्तन सत्संग जो भी होता है, तो उसके लिए एक अलग सा स्थान बनाया हुआ है जहाँ पर पाठ जो भी है चलते रहते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी भी यहाँ पे कुछ तैयारी की जा रही है, शायद यहाँ पे कोई पाठ शुरू किया जाएगा। तो अब यहाँ के भी दर्शन करके निकलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और त्रिदेव से कैसे रेशियो उनका बनाया गया वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बने हुए शिव जी के चरण और शिव जी के चरण को बोला गया है न्यूट्रॉन से तुलना की गई है इसकी। इधर लिखा है शिवपाद और इधर लिखा है न्यूट्रॉन। और इसके साथ ही आगे बने हुए हैं एक और चरण और ये चरण देखिए विष्णुपाद लिखा हुआ है इन चरण पे और इधर लिखा हुआ है प्रोटॉन, यानी कि भगवान के इन चरणों को प्रोटॉन की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर है ब्रह्मपाद। ब्रह्मपाद ब्रह्मा जी के पादों को इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी गई और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये त्रिदेव को तीनों अणुओं से जोड़ा गया है। माता कनक सुंदरी। और मंदिर परिसर के बाहर निकलने पर लेफ्ट हैंड पे माता कनक सुंदरी का मंदिर पड़ता है और कनक सुंदरी मंदिर से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर एक सत्संग भवन दिखाई देता है और सामने तो व्यास गद्दी है ही जो आप पीछे पिछले वाले वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं। और अब दोस्तों हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये शत्रुपा माता के और मनु जी के दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। और आपको दर्शन अच्छे लगे हों तो बने रहिएगा मेरे साथ ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर शंभू।